वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ पॉलिनोमियल क्लास 10th। तो आज हम एक्सरसाइज करने से पहले पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी एक एक चीज, एक एक बारीक चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, एंड देन रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, देन डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं हम P फॉर पॉलिनोमियल, और जो पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल में दिया होगा उसको हम ब्रैकेट में रखते हैं। मान लो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसमें वेरिएबल क्या है, x, तो एक ब्रैकेट में क्या रखेंगे हम x। अगर पॉलिनोमियल होता y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3, तो हम इसको कैसे डिनोट करते, p ब्रैकेट y। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट को का कॉम्बिनेशन, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट का कॉम्बिनेशन। लेकिन एक शर्त है, वेरिएबल किस में होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर में, यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता है या फ्रैक्शन में होता है या फिर डेसिमल में होता है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल हमें पता चल गया क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से पहले हम जान लें डिग्री और नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो डिग्री देखो, जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है, नंबर जो ऊपर लगा होता है वो क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, और टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स इसमें एक टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म है माइनस 3x और तीसरी टर्म है 1। ठीक है, तो अब बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं तो वो देख लेते हैं। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल कब होगा, जब डिग्री कितनी होगी 1। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब होगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जिस जब डिग्री क्या हो 2। और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कब होगा, जब डिग्री क्या हो 3। ठीक है, तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स कितने टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल, एक होता है मोनोमियल, मोनोमियल इसमें कितनी टर्म होती हैं, इसमें टर्म्स कितनी होती हैं 1। एक एग्जांपल ले लो कोई भी, एग्जांपल ले लेते हैं हम 2x हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, या कोई भी कांस्टेंट नंबर भी हो गया, वो भी क्या होता है मोनोमियल में काउंट करेंगे हम। देन बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है, कितनी टर्म्स होती हैं बाइनोमियल में 2। तो एक एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 2 ले लिया, या फिर 2x स्क्वायर माइनस x ले लिया। ठीक है, एंड सो ऑन। एंड देन ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में नाम से पता चल रहा है ट्राइनोमियल, कितनी टर्म्स होनी चाहिए 3। इसका एग्जांपल ले लीजिए एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपके बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। देन आते हैं हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। उससे पहले आपको पता होना चाहिए जीरोस और कोफिशिएंट क्या होते हैं। जीरोस होते हैं x की वैल्यूज। ठीक है, जीरोस क्या होते हैं, x की वैल्यूज। लीनियर के केस में, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर के केस में x की वैल्यूज कितनी होंगी 1, तो जीरोस कितने होंगे 1 होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस कितने होंगे 2। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस कितने होंगे 3, यानी कि जितनी डिग्रीज उतने नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, अब कोफिशिएंट्स पे आते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल के, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं। ठीक है,
तो इसके कोफिशिएंट्स क्या होंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 2, x का कोफिशिएंट क्या हो गया -3, यानी कि जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट नंबर लगे होते हैं वो होते हैं उसके कोफिशिएंट्स। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो अब वो दो बेस पे पढ़ेंगे हम, एक और एक पढ़ेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के केस में क्या होगा और दूसरे केस पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल के केस में क्या होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जनरल इक्वेशन, जनरल पॉलीनोमियल कैसे डिनोट करते हैं हम क्वाड्रेटिक के केस में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो अब इस केस में रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के कितने जीरोस होंगे, डिग्री कितनी है इसकी 2, तो जीरोस भी 2 होंगे, तो उन जीरोस को हम बोल देते हैं, एक को बोल देते हैं अल्फा और दूसरे को बोल देते हैं बीटा, ठीक है। ये एक्स की वैल्यूज होती है, इनको जीरोस के लिए हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा को। अब इनके बीच में रिलेशन, कोफिशिएंट्स कौन से हैं हमारे पास, ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी एंड अल्फा एंड बीटा के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो पहला रिलेशन है इन दोनों का एडिशन, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। बी और ए क्या है हमारे जनरल इक्वेशन से हमें मिलेंगे, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अ सेकंड रिलेशन इन दोनों का प्रोडक्ट, अल्फा बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है c अपॉन a, ठीक है। तो अब करते हैं इन क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। अब क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 3, तो इसके जीरोस कितने होंगे 3, तो इसके जीरोस को हम डिनोट करते हैं अल्फा बीटा, अब नया जीरो आ गया इसमें गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो इनके बीच में रिलेशन ए बी सी डी और अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहला रिलेशन है इन तीनों का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, जैसे क्वाड्रेटिक के केस में था पहला। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है सी अपॉन ए, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब थर्ड केस, थर्ड रिलेशन, अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। तो हमारा लास्ट टॉपिक है ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, हमें ये पता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर, ये हम पढ़ते हुए आए हैं पहले से ही, 7th, 8th, 9th, 10th सब में पढ़ लिया हमने। तो ये होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या होते हैं, ये एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक मैं करता हूँ 7 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 × 3 = 6, देन हम माइनस करते हैं ये आ गया 1, ये क्या होता है हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर 3 इज क्वेश्चन, ठीक है, ये होता है हमारा डिवाइजर और 7 क्या होता है हमारा डिविडेंड, ठीक है। तो ये है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, डन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।